भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो कान्हा जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जब भी आप भांडीर वन में प्रवेश करोगे, कवि शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे, तो ज्ञात होगा कि भांडीर वन में एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे हमारी 14 लीलाओं का उल्लेख है। प्रथम लीला श्री जी के विवाह की मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। आपने उसका अध्ययन या श्रवण किया हो तो राधा रानी का नाम उसमें आता है नहीं आता? श्रीमद् भागवत में नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी को परम गुरु मानते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के 12 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारी लाडली जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णम प्रोग्राम, यानी वृक्ष द्वापर युग में बहुत विशाल था, चार योजनों में फैला हुआ था, इसकी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर में थी, तो इसको पंचकोसीय वृक्ष के नाम से भी जानते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। मान्यता है कान्हा जी की जो 900,000 गाय थी दोपहर के समय इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी, तो माता जो भी माखन मिर्ची रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी, सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन करते थे। और भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष फल इसी प्रसादी का बताया गया है, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते, आप तो लाडली जी के विवाह स्थल ही आए हो। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे जो दूब घास होती है उसी का रस पान करते थे। ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने भी कान्हा जी को भोजन प्रसादी खिलाई है, और ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से ये टुकड़े मांग के पाए थे, तभी नाम दिया था इसका मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है, यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जब ही हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, यानी भांडीर वन को ही उन्होंने गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे हैं और भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, यानी आज से 5,500 वर्ष पूर्व आप इस स्थान पर थे, मनुष्य तो कोई था नहीं, तो अपने आप को कीड़े मकोड़े घास फूस पतझड़ इत्यादि अपने आप को मान सकते हो। जो भक्त उनकी शादी में उपस्थित था वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा, और डायरेक्टली नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से जो कान्हा ने 14 लीला भांडीर वन के अंदर की हैं उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा, और जो भी यहाँ की एक किनका प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा वो इस ब्रज गौलोक धाम से वैकुंठ गौलोक धाम को जाएगा, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी ने गौलोक धाम को इस 84 कोस में ही बांटा है। आप यहाँ पे जो भी दर्शन करोगे वो प्रकृति की देन के हिसाब से और मानव निर्मित दर्शन है, लेकिन आप गौलोक धाम में जो भी दर्शन करोगे वो ठाकुर जी के हिसाब से हैं। जैसे गर्ग संहिता के 6वें अध्याय का नाम है गौलोक खंड, आप उसका अध्ययन करोगे तो भांडीर वट का एक दिव्य वर्णन का अध्ययन करोगे। कहते हैं गौलोक धाम में ब्रजा नदी के किनारे भांडीर वट है, यानी यमुना मैया का नाम ही गौलोक धाम में ब्रजा है, तो यहाँ पर भी आप एक भांडीर वट के दर्शन कर रहे हो। कहते हैं लोकनाथ प्रभु जी ने कहा है कि अगर भक्त इस भांडीर वट का दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से, स्पर्श की तो बात बहुत दूर की बात है, दर्शन मात्र से ही उसे दोबारा गर्भ में जाना नहीं पड़ता, यानी भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। माता के नाम हिंदू लेखा भगवान की राधा रानी की 8 सखियां थी उनमें से एक है ना। और मन नहीं कर रखा इतनी तारीफ करे वो है नहीं इसलिए बोल नहीं रहे कृपा कारण स्टार्ट कर दिया। हम सब केवल बाजरे की रोटी खिला रही हो तुम सच में राधा रानी हो और ऐसा आशीर्वाद दो हम सबको सच में ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी मैया भी हमारी सब माताएं भी थोड़ा थोड़ा जिनसे ये मिले। देखिए भक्ति का स्तर है एक इतना बड़ा एक इतना है तो इनको जो इनसे छोटी भक्ति मिले ये भी उनको कुछ ऐसी बातें बता के भगवान की ओर आकर्षित करें। सबको ऐसा आशीर्वाद दो आप ब्रजवासी हो इसलिए सक्षम हो सकती हो और ब्रज में वास करें।